देखो वो देखो, अरे कैसे कर रहे हैं, कैसे देखो देखो अंकल कैसे कर रहे हैं। सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है दशहरा, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं भाई दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। फिलहाल हम भी आज की हसल के लिए निकल गए भाई। अभी तो ये रास्ते इतना खाली खाली मिल रहा है, आराम से साए साए जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही भाई साहब यहाँ पैदल चलने के लिए मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल मैं जितनी जल्दी काम निपटा पाऊँगा उतनी ही जल्दी आराम से ईजिली आ पाऊँगा। सैटरडे इसको भी वॉश कराना भाई, ओली भाई के पास भी जाना था बट मुझे लग नहीं रहा है। पूरे हफ्ते की थकान है, आज भी 7:30 बजे उठ गया था मैंने, यार आज तो कम से कम सोता मैं। और मेरा प्लान ये था कि भाई 10-10:30 आराम से उठ, मतलब नींद तो नहीं आती मुझे उतनी लंबी, बट ये था कि भाई आराम से लेटा रहता बेड, क्या हो गया, आराम से लेटा रहता बेड में। चलो फिर कोई नहीं, होता रहता है, हम कॉरपोरेट मजदूर हैं भाई, हमारा कोई सैटरडे संडे नहीं होता। और आज कुछ नई नई चीज़ें सोची है मैंने कि भाई ये शूट करना है, आराम से करते हुए जाऊंगा। अगर मैं कर पाया तो वीडियो में दिख जाएगी, अदरवाइज जैसे नॉर्मल मेरी वीडियो आती है वैसे आपको मिलेगी। फिलहाल कान निपटाते हैं, देन आपको वापस कैमरे में मिलते हैं। भाई एक चीज़ तो बोलनी पड़ेगी इस मोटरसाइकिल की, अगर ट्रैफिक नहीं है और आप चल रहे हो भाई 60-70 पे, इसके इंजन की साउंड सुनने में जो मज़ा आता है ना, वो तब लगता है कि भाई हाँ कुछ लिया है। मतलब आराम से वो मतलब तब समझ में आता है कि ठीक है रॉयल इनफील्ड, वो जो रॉयल है ना नाम, वो क्यों रखा हुआ है। और ट्रैफिक के बाद मतलब गर्म होने के बाद भी अच्छी आवाज़ आती है, मैं ये नहीं कह रहा, बट हाँ जो प्रॉब्लम से भाई वो मेरे को नहीं समझ में आती कि भाई इतनी जल्दी इतनी नई गाड़ियों में आनी चाहिए। बट हाँ अगर इस स्पीड में चल रही है भाई, सच में रॉयल वाली फीलिंग आती है, आराम से क्रूज करते रहो 60-70 ये जो आवाज़ आ रही ना, सिर्फ एक वो पीछे साइलेंसर की आवाज़ सुनाई दे रही है मेरे कानों में, बस यही मुझे मोटरसाइकिल से चाहिए होता है, अलग ही सुकून है भाई। ये सिर्फ वही जान सकता है जो मोटरसाइकिल चलाता है। चलो भाई जो काम था वो निपटा लिया, बट भाई जो वीडियो बनानी थी ना, मैं लोकेशन देख के गया था, मेरे को वो जगह सेफ नहीं लगी, इस वजह से मैंने बनाया नहीं भाई। बहुत सारी चीज़ें बैग में पड़ी है, मैंने बोला गलती से अगर कुछ हो गया तो अपने लग जाना है। फिलहाल मैं निकल गया हूँ, थोड़े बहुत तो मैं बना ही लूँगा, कहीं ना कहीं कोई ढंग की लोकेशन दिखे। मैं कैमरा अपना DSLR उठा के इसलिए लेके आया हूँ कि थोड़ा हाथ साफ मैं इस पर भी करूँगा, अच्छी वीडियोज़ निकालनी है मुझे बाइक के साथ। तो अब देखते हैं कहाँ ढंग की लोकेशन मिलती है और जहाँ किसी को वीडियो बनाने में परेशानी ना हो। चलो भाई बैक होम, ऑफिस का काम निपटा लिया, वीडियो बनानी थी, जो बनानी थी खैर वो तो नहीं बनी, बट हाँ जो भी बनी है वो अच्छी बनी है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, समझ आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिलहाल अभी भाई सोचा था बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ, मैंने जब गंदा खाना है तो सस्ता खा लो, अभी फिलहाल मैगी बनाते हैं, छोटी घर में है नहीं, रेस्ट करूँगा आराम से, फिर उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, बाल वगैरह कटवा लिए। भाई बाल कटाने में मेरे को बड़ा मज़ा आता भाई, और सबसे बड़ी बात है उनको समझा दो ना कि भाई मेरे को ऐसे चाहिए और ऐसे हो जाए, ओए होए होए बात ये लगे। फिलहाल मैगी बनाते हैं फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई दिन ख़त्म होने की कगार पे, डेटा ट्रांसफ़र कर लिया है, दशहरा भी बच्चे के साथ थोड़ा सा घूम लिया, दिखा सकते थे वो दिखा दिया
क्योंकि अब होता नहीं है भाई नॉर्मल सी। एक यहाँ पे था रावण लगा हुआ, बट भीड़ ज्यादा हो रही थी और बच्चा पटाखों के शोर से डर रहा था, तो हम उसको लेके आ गए। कुल मिला के इसने जलेबी हमारी मिस हो गई, भीड़ लगी हुई थी। भीड़ क्या, छोटी थोड़ी सी किचकिच करने लगी थी। मैंने कोई पॉइंट नहीं है भाई इसको और वेट कराने का, इस बार की दशहरे की जलेबी लेगी जो हर बार पापा लेके आते थे, वो मिस करेंगे भाई। वो जो हर बार, शायद मेरी थर्ड ये वीडियो है भाई, बड़ा मिस कर रहा हूँ मैं कि वो जो हम साइकिल पे चक्कर लगाते थे, रावण देखते थे, एक्साइटमेंट होती थी भाई, वो लाइफ से एक्साइटमेंट चली गई। अंदर से मोटे मोटे की आवाज लगा रही है कुल में। हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो, कौन है मोटा, कौन है मोटा, कौन है मोटा? जाहिर। अच्छा क्या देख के आया बता दो, चलो वीडियो में बता दो क्या देख के आया। चीकू, आपने रावण देखा था? हेलो, रावण देखा था आपने? रावण, अच्छा ऐसे कर रहा था रावण, जितना दिखा सकते थे हमने बच्चे को अपने दिखाया भाई। काइट कहाँ पे थी? काइट, छोटा बेबी रो रहा था, रोना सुन के कौन आया चीकू? ओली आया साथ में अपने, बॉल लाया। वाओ, बेबी को बॉल। चलो भाई, फिलहाल इस वीडियो को भी यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं ऐसी किसी बड़े सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।